है बुलंदशहर से, जहां पर खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम सदर ने अवैध बालू खनन पकड़ा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालू से लदी हुई 8 ट्रैक्टर ट्रॉली की उनको जब्त किया गया है। अधिकारियों को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर माफिया भागते हुए भी नजर आए। वहीं डीएम के आदेश पर शुरू हुई जांच, बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड का ये पूरा मामला है, जहां पर खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एसडीएम सदर ने अवैध बालू खनन पकड़ा है, जहां पर बालू से लदी हुई 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की गई है। अधिकारियों को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर माफिया भागते हुए भी नजर आए। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, जहां पर डीएम के आदेश पर यह जांच शुरू हुई थी और खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि यहां पर एसडीएम सदर ने अवैध बालू खनन को पकड़ा है, जहां पर बालू से लदी हुई 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित गौमत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, एक बड़ी कार्रवाई की गई है माफियाओं के खिलाफ। जी मनीष, बिल्कुल, खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बहुत भारी मात्रा में अवैध बालू को एसडीएम सदर और एडीएम एफ ने छापा मार कर पकड़ा है। काफी जो शिकायत मिल रही थी कि कुछ अवैध बालू खनन माफिया है, वो लोग अवैध खनन कर बालू को ऊंचे दामों में बेचते हैं और उनको परमिशन नहीं है, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई करते हुए आदेश जारी करा, जिसके बाद में एडीएम एफ और एसडीएम ने कार्रवाई की, जिसमें की भारी मात्रा में अवैध बालू बरामद हुआ है। वहीं जो कार्रवाई करने की बात हुई है, कुछ लोगों के संदिग्ध लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। डीएम का साफ साफ कहना है कि जिले में किसी तरह की अवैध बालू खनन की जो प्रक्रिया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अवैध खनन माफिया है उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस पूरे मामले में किसी को गिरफ्तार भी किया?